सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिंदा सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ. सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, राइट? तो आपके प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है ऑडिट एंड लॉ चैलेंज, जो हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर चल रहा है. अब स्टूडेंट्स के स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने साथ ही साथ हम लेकर आ रहे हैं द इकोनॉमिक लॉस पेपर 6 डे चैलेंज फॉर सी ए फाइनल स्टूडेंट्स फॉर द अपकमिंग नवंबर 22 एग्जामिनेशन, राइट? तो अब इकोनॉमिक लॉस पेपर 6 डी चैलेंज में क्या होगा? ये चैलेंज कंडक्ट किया जाएगा बिटवीन 1st ऑफ अक्टूबर टू 7th ऑफ अक्टूबर इन माय टेलीग्राम चैनल. हमने इसे कॉम्प्रीहेंसिव रखा है, 7 डेज में डिवाइड किया है कि जितने भी चैप्टर्स है ना, हर दिन एक चैप्टर का टेस्ट होगा. तो आपको बता दिया जाएगा, बेटा कल फेमा का टेस्ट है, फेमा पढ़ के आई हो. आपको बता दिया जाएगा कल रेरा का टेस्ट है, रेरा पढ़ के आना. कल बेनामी का टेस्ट है, बेनामी पढ़ के आना. इस तरीके से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको एक शेड्यूल दे दिया जाएगा कि किस दिन कौन सा चैप्टर्स का टेस्ट है. एंड वी हैव कैप्ट इट सिंपल, हर चैप्टर्स के 10 MCQs आपसे चैनल में पूछे जाएंगे दोपहर के 2 या 3 बजे के आसपास. तो वी आर गोइंग टू आस्क यू 10 MCQs. ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि आपने एक बार एक चैप्टर पढ़ लिया और आपके डिसिप्लिन के लिए हमने क्या किया कि 10 MCQs उस चैप्टर में फ्रेम करके आपसे पूछ लिया, वो आपका टेस्ट है. तो आपने देखना है कि ठीक है, वो जो 10 MCQs है आप आंसर कर पा रहे हो कि नहीं. और यहाँ पे रियल चैलेंज ये है कि सर आपने बुक यूज नहीं करनी, वरना नॉर्मली हम क्या करते हैं, बोलते हैं बुक यूज करना है. यहाँ पे आप कोशिश करोगे जितना हो सके बिना बुक को यूज किए आंसर लिखना है. अगर कहीं लगता है कि बुक के रेफरेंस की जरूरत है तो ये देखना कि अब मैं बुक को रेफर करके कितने कम टाइम में उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के एमसीक्यू को सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है. बुक में आपको कितना टाइम लग रहा है आंसर को ढूंढने में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप मेरा मास्टर इंडेक्स यूज करना, मेन बुक यूज करना, ISI SM यूज करना, मास्टर इंडेक्स यूज करना, और देखना कितने कम टाइम के अंदर आप उस एमसीक्यू का आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हो. क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर पता चला कि आपको आंसर ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा है, तो दैट इज अगेन नॉट एडवाइजेबल, राइट? आपको टाइम का भी ध्यान रखना होता है, टाइम मैनेजमेंट भी एक चीज होती है. तो हर चैप्टर में 10 MCQs पूछेंगे. कोशिश करो कि बिना बुक रेफर किए देखो कि आप आंसर सही लिख पा रहे हो कि नहीं, तब जाके आपकी तैयारी सही मायने में अच्छी हुई है. और अगर बुक रेफर करना पड़ रहा है तो कितने कम टाइम के अंदर आप बुक को देखकर उस आंसर को आप क्रैक कर पा रहे हो. और फिर आपको टेलीग्राम चैनल इमीडिएटली हमारा बता देगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं, गलत किए हैं. तो एटलीस्ट 10 में से 8 MCQs आपने सही किए हैं तो आप मान के चल सकते हो हाँ, मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. अगर 8 MCQs भी सही नहीं हो रहे या 7 MCQs भी सही नहीं हो रहे एटलीस्ट, तो मान के चलना भैया प्रिपरेशन में अपना डब्बा गोल है थोड़ा सा, और अपने को और प्रिपेयर करने की जरूरत है. या फिर आप अगर बुक यूज कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है आंसर को फाइंड आउट करने में, यानी वहां भी आपका अप्रोच गलत है. आपने अपने अप्रोच को सही करना है और रिफाइन करना है, इंडेक्स और बुक को और अच्छे से यूज करना सीखना है, रिविजन प्रॉपर करनी है, ताकि आप जल्दी से टेक्स्ट को क्या कर सको, इंडेक्स और SM से लोकेट कर पाओ. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ MCQs ही रख रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, इसे इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोस वगैरह नहीं रख रहे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक कर रहे हैं मेनली. अगर आपने फुल फ्लेज्ड टेस्ट देना है, इंटीग्रेटेड केस लॉस सॉल्व करना है, प्रॉपर इवैल्यूएशन के साथ आपने सब कुछ करना है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हमारा अपना मेंटर जो वेबसाइट है apnamentor.com, वहां आपको कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्रोग्राम मिल जाएगा इकोनॉमिक लॉस पेपर 6 डी, जहां पे इंटीग्रेटेड केस लॉस पूछे जाएंगे, MCQs पूछे जाएंगे, आपको टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा. आप अपने टाइम जोन के हिसाब से उस टाइम फ्रेम के अंदर पेपर को सॉल्व करके सबमिट कर दोगे. हमारे जो इवैल्यूएटर्स हैं वो उसे चेक करके आपको रिवर्ट करेंगे, आपको कमियां बताएंगे. तो वो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट रिस प्रोग्राम अपने मेंटर में अवेलेबल है. इकोनॉमिक लॉस का भी अवेलेबल है, बाकी सब्जेक्ट का तो अवेलेबल है ही है, बट इकोनॉमिक लॉस का भी अवेलेबल है. तो आप वो जाके अपने mentor.com से एनरोल कर सकते हो, दैट इज हाईली एडवाइजेबल. ये जो टेस्ट रिस्क का मैकेनिज्म है, ये जो इकोनॉमिक लॉ चैलेंज है, दिस इज मेनली टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड गिव यू ए 7 डे स्टडी साइकिल कि हाँ, हर दिन दो दो तीन 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 घंटा निकालकर मेरे को उस 7 डेज के अंदर इकोनॉमिक लॉस एक बार पूरा रिवाइज कर लेना है और अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक कर लेनी है. एंड आई बिलीव दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी ज्वाइन करो. जो लिंक दिया हुआ है दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, दैट इज लॉ एंड ऑडिट सागर बाय CS अनिता सराफ. तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल राइट नाउ. ऑडिट एंड लॉ चैलेंज ऑलरेडी वहां पे अभी शुरू हो चुका है, वो भी आप क्या कर सकते हो सर, पार्टिसिपेट कर सकते हो. उसका शेड्यूल भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और इकोनॉमिक लॉस का जो ये चैलेंज है, इसका शेड्यूल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, राइट? सो स्टे अपडेटेड. ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर.